स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों आज से दो हफ्ते पहले मैंने आप सबके सामने शेयर किया था फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में। फाइन ऑर्गेनिक्स का उस समय का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा था, बट मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ नोटिस किया था और उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था ये शेयर को रखिए, ये ऐसी शेयर है कुछ ही दिन के अंदर आप यहाँ पे 9000 प्राइस देख सकते हैं, और वो एक राउंडिंग बटन बनाने वाला था। और दोस्तों कल वो चीज़ सबको दिखा चुके हैं, कल जब वहाँ पे 10% के आसपास जंप आ चुका है वो सबको बिलीव हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा कब मैंने वो वीडियो शेयर किया था, आखिर वहाँ पे क्या था, जो आपको भी और भी सारे स्क्रिप्ट में आगे मैं शेयर करूंगा और आपको भी एक अच्छी चीज़ देखनी चाहिए। मैंने सिर्फ टेक्निकल के बेसिस में ये डिसीजन नहीं लिया था, मैंने उस कंपनी का डीप डिटेल्स देखा था। जैसे कि आप सब जानते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा बुलिश मेरा गुरुजी सौरभ मुखर्जी है, तो ऑब्वियसली वो एक लॉन्ग टर्म चलने वाला स्क्रिप्ट है। बट अभी हम लोगों को एज ए ट्रेडिंग का मेंटालिटी भी रखना पड़ता है और वहाँ से 40% 50% गेन भी लेके निकलना पड़ता है ताकि हम दूसरा अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ पाए। जिस तरीके से मैंने आप लोगों के सामने शिकाजी के बारे में बताया, फेयर कैप के बारे में लॉन्ग टर्म व्यू रखने के लिए बोला, तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग टर्म व्यू ज़रूर है। बट अगर आप मेरे जैसे सिर्फ मतलब लेस देन 10 लाख का इन्वेस्टेड है तो ऑब्वियसली आपको स्विंग में भी अच्छे रिटर्न मिलना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा क्या मैंने स्क्रीनर में देखा था, और मैं वो चीज़ उस वीडियो में मैं शेयर किया था आज एक बार फिर से रिकॉल कर दूंगा ताकि आपको 100% कन्फर्म हो जाए क्यों मैं यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक से जस्ट 7000 नहीं 10000 प्लस बहुत ही जल्दी देख पा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं डीप डिटेल्स में आखिर क्या है वो राज। और ऑब्वियसली सिर्फ ये मत देखिए, वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि जो जो वीडियो मैंने शेयर किया है बहुत डिटेल्स में एनालाइज करने के बाद ही शेयर किया है। उसका सबूत चाहिए आयन एक्सचेंज को देखिए, वीडियो बनाने के बाद उसमें 10-15% जाम हुआ है। मैंने फिर भी स्पेशलिटी के बारे में बोल रहा हूँ जहाँ पे किसी ने नहीं बात कर रहा। करिए ये फाइन ऑर्गेनिक्स कहाँ है, फाइन फाइन फाइन, ये रहा दो हफ्ते पहले का फाइन ऑर्गेनिक्स में ढूंढ रहा है। लुक ये वीडियो को देखिए, ये जो सामने है ओनली 9 लाख 2 वीक्स अगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 190 व्यूज, इट इज़ ओके नो प्रॉब्लम। नाउ 6000 टारगेट 9000। सच बताओ मैंने फाइन ऑर्गेनिक्स के अंदर बहुत पहले एंट्री लिया था, मैंने दो बार एंट्री किया हूँ, एक बार 3200 में एंट्री किया हूँ और फिर मैं 4500 के पास एंट्री करके वो अभी भी होल्डिंग में है। ठीक है, बीच में क्या हुआ था वो डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। सो आइए एक बार स्क्रीन पे जब यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग 9% का जाम, स्क्रीन को रोटेट करते हैं। सिर्फ कॉमन चीज़ सिर्फ मतलब बेसिक से बेसिक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ये सब जानता है। एक चीज़ देखिए यहाँ पे स्टॉक PE 56 के आसपास है। ठीक है, अब जब यहाँ पे क्रूड के चक्कर में सबका OPM गंदा हुआ था तो फाइन का उस समय में रिजल्ट अच्छा हुआ था, जो मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूँ क्यों हुआ था। इनका प्रोडक्ट मिक्स अच्छा हुआ है, इन्होंने नए देशों में जाकर प्रोडक्ट बेचना शुरू किया है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और इतना जंप और इतना कॉन्फिडेंस क्यों हो सकता है, सिर्फ ये चीज़ देखने में आ जाएगा। लुक एट द पब्लिक होल्डिंग, 7% से भी कम होल्डिंग पड़े हैं, मतलब आप सोच सकते हैं कितने क्राइसिस हैं, सारे के सारे तो यहाँ पे FIR DII खरीद रहे। और काल का जो जितने बड़े कैंडल आया ये तो मैं कन्फर्मली बोल रहा हूँ वहाँ पे FIR DII का परचेज हुआ है, और जो नीचे जो बेज बना रहा था वहाँ पे भी ये लोग खरीद रहा था, मतलब ये 6% भी नहीं रहेगा आपने आपके हाथों में। क्या देख रहा था पी में, एक बार यहाँ पे नोटिस करिए, ये जो 3 ईयर में कंपनी का टर्न अराउंड हुआ है उसमें मीडियन PE 58 के पास है, हालांकि आपका PE यहाँ पे 56 के पास है, मतलब यहाँ पे और भी जंप होगा। ये जो करंट सिनेरियो है, ये जो प्रोडक्ट है, इन लोगों का जो बहुत ही अच्छे ऑलियो केमिकल में मस्टरी है, इनको FIR DII बहुत अच्छे से पसंद करते हैं क्योंकि ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर बनने जा रहा है, और इनके वजह से ही हर एक वीडियो मार्सेलस का हर एक वीडियो देखिए वहाँ पे ये लोग फाइन ऑर्गेनिक्स को नंबर वन कहते हैं। जितने सारे केमिकल्स कंपनी हैं, रिसेंटली सौरभ मुखर्जी जी ने अपना वीडियो में बोला है ये सारे कंपनी के ऊपर उन्होंने और भी स्टेक बढ़ा रहा है, ध्यान दीजिए वो सारे वीडियो को, तो आपको लिंक डॉट मिलेगा। ये तो मैं थोड़ा सा फंडामेंटल चीज़ बोला, इनका डिटेल्स मुझे लगता है आपको और भी मालूम है। ठीक है, तो मुझे लगता है सिर्फ फाइन ऑर्गेनिक्स नहीं, फेयरकम ऑर्गेनिक्स शिगाची जैसे कंपनी के ऊपर बहुत बड़े फंड हाउस का इंटरेस्ट आ रहा है। सच सुन रहे हैं आप, आ रहा है।
क्योंकि नोटिस कर रहा हूँ मैं कुछ चीज़ जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कॉन कॉल, ये सारे जो छोटे कंपनीज होते हैं, छोटे कंपनीज होते हैं, वो बड़े कंपनी जैसा जब बिहेव करता है, उनका मैनेजमेंट जिस तरीके से डिस्क्लोजर देते हैं, तो बहुत बड़े फंड यहाँ पे इन्वेस्ट हो सकता है। तो क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टॉक PE 56 के पास है, एक मिनट, तो मैं अगर यहाँ पे फेयरग्राम ऑर्गेनिक्स में जाओ, इनका PE मल्टीपल्स इतना नहीं है, तो मुझे लगता है ये कंपनी री रेटिंग हो सकता है। मुझे लगता है ये जो कंपनी है जिनका PE 23 के पास है, ये 30 के ऊपर जा सकता है, और ये 2023-24 के अंदर ज़रूर होगा, क्योंकि लुक एट द मार्केट कैप। मज़ा तो दोस्तों उस दिन आएगा ना, इसका मार्केट कैप 5,000 होगा, बहुत मज़ा आएगा। अब बिना टाइम गवाते हुए मैं चलता हूँ, ये जो फाइन ऑर्गेनिक्स है उनका चार्ट में मैं क्या देखा था। तो दोस्तों ये है आपके सामने फाइन ऑर्गेनिक्स का चार्ट, और नीचे आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, इट्स टेक्निकली कुछ चीज़ कह रहा है, वो है जब ये रिजल्ट पब्लिश हुआ था, बहुत अच्छे रिजल्ट आया था, तब उस दिन तो बहुत ज़्यादा जंप कर गया था, 15% का जंप था। उसके बाद जब नीचे गिर रहा है, ओके ये गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, ये गिरने का वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो गया। मैंने वारा झुंझुनवाला शेयर से एक बहुत अच्छा टेक्निकल चीज़ सीखा हो, अगर ये नीचे की दिशा में जा रहा है, नीचे की दिशा में जा रहा है, तो वहाँ पे अगर नीचे कुछ कैंडल में सेलिंग स्ट्रेंथ नहीं है, तो उस स्टॉक में दम है, वो ऊपर आ सकता है। तो आपको क्लोजली देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं कंफर्म हो गया था यहाँ पे, अगर ये ग्रीन कैंडल, अगर ये जो रेड कैंडल की नीचे क्लोज ना दे पाए, अगर दे दे कोई भी कैंडल में तुरंत, नहीं तो नेक्स्ट 1 और 2 डे के अंदर ऊपर आ जाना चाहिए। फिर तो देखिए यहाँ पे बना क्या रहा है, ये तो एक फॉलिंग वेज बना रहा है, ठीक है वो सब टेक्निकल टर्म छोड़ दीजिए, मतलब कन्वीनियंसली यहाँ पे नीचे ये सारे के सारे क्लोज नहीं कर पा रहा है, और जो सेलिंग हो रहा है उसका वॉल्यूम भी तो देखिए कितने कम। आखिर क्या हुआ है पता है, मैं ये सारे जगह पे खरीदा था, आप लोगों को भी खरीदने के लिए बोला था, पता नहीं आप लोग खरीदे है कि नहीं, अगर खरीदे तो ज़रूर बताना। बस ये तो सिर्फ शुरुआत है, अगले बहुत कंपनी में ऐसे चीज़ देखा जा रहा है जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी, वो मैं ज़रूर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, यही सारी चीज़ ही तो सीख रहा हूँ डिटेल्स में। तो देखिए ये जो चीज़ है, ये सारे जगह पे जो ऐसे हम देख सकते हैं ना, एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना है, ये सारे जगह पे FII खरीद रहा था, और उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट आया, इसी कैंडल में ब्रेकआउट आया, तब तो खेल ख़त्म, तब तो यहाँ पे पूरा का पूरा माल जो है वो कंज्यूम हो चुका है, अब स्कार्सिटी तो है ही स्क्रिप्ट का। पर देखिए उसके बाद कितना दिन लगा, 1, 2, 3, 4, 5 डेज के अंदर 20% के ऊपर रिटर्न। अब ये जो बैक टू बैक कैंडल है ना, अगर ये 20% से ज़्यादा हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा चीज़ होगा, वो तो अभी नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट कभी बताऊँगा बैक टू बैक में। ये तो ब्रेकआउट हो चुका है, अब क्या हो सकता है, यहाँ पे नीचे 20% के आसपास है, तो ये आप कैलकुलेट खुद ही करिए, इसका टारगेट 10,000 आता है, 10,000, ठीक है ना, और ये बहुत ऊपर जाएगा, बट क्या अभी जाएगा कहना मुश्किल है। अगर इस तरीके का स्कर्सिटी स्क्रिप्ट का है, स्टॉक्स हमारा मार्केट इतना स्ट्रांगली जाए, तो ये तो आपका 15 से 20 डेज के अंदर ऊपर जाना चाहिए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट करें, वेट करें, तो हो सकता है। बट मैं एक चीज़ बताऊँ, ये कंपनी का अगले कुछ क्वार्टर का रिजल्ट और भी अच्छा होने वाला है, ऐसे मैनेजमेंट का कमेंट्री है, ठीक है। तो छोटी मोटी चीज़ यहाँ पे आपका होगा, बट बहुत ही जल्दी आपको यहाँ से एक अच्छे रिटर्न मिलेगा, दिस इज़ कन्फर्म। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं, बिंदास होल्ड करिए, मेरे जैसा मैं बहुत नीचे के लेवल से होल्ड कर रहा हूँ, और आप भी कर सकते हैं। दैट्स इट।